नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर नवादा जिला से आ रही है। आपको बताते चले कि नवादा स्थित नगर भवन में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आईपीएस विकास वैभव। विकास वैभव का जोरदार स्वागत किया गया। उपरोक्त विचारों के साथ ही उन्होंने बोला कि चिंता नहीं चिंतन करे, संघर्ष नहीं सहयोग करे। इस विचारों को आंदोलन बनाकर बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सूबे के भ्रमण पर निकले हैं आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में गृह विभाग बिहार में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं। विकास वैभव रविवार को नवादा पहुंचे। वे आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार अभियान के तहत युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय के पूर्व प्राचार्य सुरेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में युवा और स्कूली छात्र छात्राएं भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जहाँ भी जाता हूँ
जिस जनसंघ वर्ग की कथा सब लोग टीवी पर सब लोगों ने देखा होगा, जो महाभारत सीरियल आया था, पढ़ते हैं सुनते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाभारत में कहा था कि जनसंघ के शौर्य के कारण, भय के कारण उन्हें अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका स्थानांतरित करनी पड़ी। यदि हम बिहार के भविष्य के बारे में चिंतन करना चाहते हैं तो चिंतन करना होगा क्या गुण थे उस काल में जब हमारे ही पूर्वज वैसा कर सके थे, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर राष्ट्र का निर्माण कर सके। उस आज के भारत की सीमाओं से बहुत अधिक विशाल उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके थे, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक थी, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। कैसे संभव हुआ? अभी पटना से नवादा आने में बहुत समस्या नहीं, लेकिन उस काल में नवादा में भी अभी नवादा से भारतीगंज जाना होता तो बड़ी कठिनाई रहती होगी। मार्ग थे ही नहीं आज की भांति, न सूचना भी कोई तंत्र थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को उसकी सुध नहीं लगती होगी, पता नहीं चलता होगा। और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं करके कर जिससे हम लोगों को जोड़ पाते, बहुत कम लोगों को मैं नवादा में जानता हूँ। सुरेश बाबू से बहुत मैं परिचित था, जब नेक्स्ट स्वयं बिहार का अभियान हुआ था तो नवादा